नमस्कार, आप सभी का स्वागत है प्राइम टीवी पर और आप सब देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं नितिन। साथियों, उत्तर प्रदेश का चुनाव जीवन मरण का चुनाव होता है। ये चुनाव साख का चुनाव होता है। उत्तर प्रदेश का चुनाव किसी राष्ट्र के चुनाव से कम नहीं होता है। यहाँ की हार का मतलब ये है कि आपका राजनीतिक करियर गड़बड़ हो जाना। इस बार के चुनाव में भी कई राजनीतिक दलों का बल बढ़ेगा, कुछ का पॉलिटिकल गेम गड़बड़ हो जाएगा तो कुछ क्षेत्रीय छत्रप मजबूत होकर सामने आएंगे। ये बात हम सबको पता है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद 24 का भी चुनाव है, जो कि केंद्र का चुनाव है, और उसी को देखते हुए लगभग सभी राजनीतिक दलों ने ये प्रयास करना शुरू कर दिया है कि आखिर कौन सी गोटी फेंकी जाए, कौन सा पेच कसा जाए ताकि इस बार बात बन जाए। बीजेपी ने दिल्ली से पूरी टीम तैयार कर ली है जो उत्तर प्रदेश आकर उत्तर प्रदेश में चुनाव की रणनीतियां तय करेगी। कांग्रेस की बात करें तो प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में अपने उनका जो दौरा था उस दौरे से एक दिन पहले आकर लगातार संगठन को मजबूत करने में लगी हुई हैं। इसके अलावा मौजूदा उत्तर प्रदेश की जो पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और मौजूदा जिन्होंने सबको चौंका दिया है आम आदमी पार्टी, इन सब ने भी लगातार संगठन को मजबूत करने के लिए और लगातार बयानों के जरिए उत्तर प्रदेश में जो घोटाले हुए इन सब की पोल खोलने के जो बीड़े हैं वो उठा रखे हैं। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सभी पार्टियां कोशिश यही कर रही हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश में कुछ नया किया जाए, कुछ ऐसा किया जाए ताकि सब दंग रह जाएं और एक नए दल को उत्तर प्रदेश में काबिज करवाया जाए या फिर एक ऐसे दल को उत्तर प्रदेश में काबिज करवाया जाए जो कि ये बता दे कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में जो सरकार है वो कहीं ना कहीं कई मुद्दों पर विफल रही है। प्रयास सबका यही है, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी ने भी पूरी तैयारी की हुई है। प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक उत्तर प्रदेश आएंगे, सरकारी कार्यक्रम करेंगे और इसके अलावा रैलियों को भी संबोधित करेंगे और यह कार्यक्रम लगभग सभी पार्टियों का है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख मुद्दे हैं वो मुद्दे क्या हम और आप जो आम जनता है वो भूल सकती है? क्या हम भूल सकते हैं कि हमने कोरोना में क्या झेला? क्या हम भूल सकते हैं कि हमने डेंगू में क्या झेला? क्या हम भूल सकते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में रोजगार की जो दर है वो कितनी नीचे है और बेरोजगारी कितनी बढ़ती जा रही है? क्या हम इन बेरोजगारों को देखकर अपनी आंखें बंद कर सकते हैं? क्या महंगाई के सवाल पर हम चुप रह सकते हैं? आखिर इन सवालों को ये राजनीतिक दल क्यों नहीं उठाते हैं? आखिर क्या इस बार का भी चुनाव जात धर्म विशेष समुदायों के नाम पर ही होना है या फिर जनता की जन सरोकार वाली जो समस्याएं हैं उनके नाम पर होना है? आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और चर्चा शुरू करने से पहले एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस कर तैयारियां शुरू कर दी हैं। कोई दल किसी जाति को लुभाने में जुटा है तो कोई दल किसी धर्म को साधने में जुटा है। वहीं यूपी की धरती पर चुनाव से पहले बाहरी दलों यानी दूसरे राज्यों में भीड़ जुटाने वाले दल भी अब यूपी में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का सपना देख रहे हैं। हर कोई बड़ा दल ये दावा कर रहा है कि अब की बार 300 के पार सीटें उनकी होंगी। वहीं छोटे राजनीतिक खिलाड़ी पानी पी पी कर बोल रहे हैं कि इस बार बिना उनके समर्थन के सरकार क्या एक विधायक नहीं बनाया जा सकता है। खैर, कुछ दलों पर अगर नजर डालें तो उनकी तैयारियां कुछ ज्यादा ही तेज चल रही हैं। पहली बीजेपी जो बूथ से लेकर यूथ तक सबको अपनी ओर खींचने में लगी हुई है और बीजेपी का दावा है कि इस बार फिर से 300 के पार सीटें उनके पाले में होंगी। अच्छा, बीजेपी अगर ये दावा कर रही है तो मान लेते हैं कि 300 के पार सीटें उसके खाते में होंगी, लेकिन क्या पिछली बार से सपा और बसपा ने कोई सीख नहीं ली? और हाँ, कांग्रेस को इस बार भूलना नहीं चाहिए। हाँ, ये सही है कि पिछली बार कांग्रेस को सिर्फ 7 सीटें ही मिली थी। कांग्रेस को छोड़िए, बीएसपी की बात कर लेते हैं। मायावती इतनी तेजी से राजनीतिक चाले चल रही हैं कि अन्य दल घनचक्कर बने नजर आ रहे हैं। खास तौर से बीजेपी को यह बात समझ ही नहीं आ रही कि मायावती आजकल बीजेपी पर नरम रुख क्यों अपनाए हैं। अभी मायावती ने एक ऐलान कर दिया जिसके बाद बहस ही छिड़ गई कि अब कोई माफिया बीएसपी में नहीं रहेगा। साथ ही मुख्तार अंसारी को मायावती ने बेआबरू करके बीएसपी से निकाल दिया। बस फिर क्या, हैदराबाद की सियासत के बैरिस्टर साहब ने तुरंत इस मौके को लपका और एक संदेश आया कि अब सारे माफिया उनकी पार्टी से ही चुनाव लड़ेंगे और हम पैसा भी नहीं लेंगे, साथ ही टिकट देकर विधानसभा भी भेजेंगे। लेकिन बैरिस्टर साहब ये बात भूल गए कि उनसे बड़े खिलाड़ी यूपी में राजनीति करते हैं। हम अगर सपा की बात करें तो अखिलेश यादव पहले ही मुख्य
मुख्तार के भाई सिबकतुल्ला अंसारी को पार्टी में शामिल कर चुके हैं और एक ऑफर मुख्तार को चला गया तो शायद मुख्तार भैया के साथ जाना पसंद करेंगे, ना कि बैरिस्टर साहब के साथ, क्योंकि मुख्तार माफिया भले ही हों लेकिन राजनीति का उनका अनुभव भी कुछ कम नहीं है। चलिए छोड़िए राजनीति के माफियाकरण की बात, ये तो यूपी में पुराना अध्याय है, लेकिन हाल ही में जो बात नई चल रही है वो ये कि ब्राह्मण यानी प्रबुद्ध वर्ग किसके साथ रहेगा। देखिए शुरुआत की बात करें तो बीजेपी ने दलितों को रिझाने के लिए अंबेडकर की मूर्ति लगाने की बात की, बस तभी ये बात बीएसपी को खटकी कि बीजेपी उनका कोर वोटर छीनने की कोशिश कर रही है। बस फिर क्या, बीएसपी ने ब्राह्मणों की बीजेपी से तथाकथित नाराजगी को परखा और फेंक दिया तुरुप का इक्का। अब बीएसपी नारे लगाते नहीं थक रही है कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। इसी नारे के साथ बड़ी बड़ी सभाएं की गई जिसमें खुद मायावती त्रिशूल लेकर नजर आईं। यूपी में 2022 के चुनाव तो हैं, ये बात सही है कि 2022 में किसी ना किसी की सरकार बनेगी, चाहे पूर्ण बहुमत की बने या फिर गठबंधन की, लेकिन राजनीतिक दल जनता की नब्ज पकड़ने में लगभग फेल साबित हो रहे हैं। जातियों की बात करें, धर्म की बात करें या फिर माफियाओं को पार्टी से बाहर निकालने की या शामिल करने की, लेकिन मुद्दों पर कोई राजनीतिक दल बात नहीं करना चाहता है। महंगाई अपने चरम पर है, पेट्रोल 100 के पार, मतलब जितना आदमी ज्यादा से ज्यादा सोच रहा था उस आंकड़े को भी पार कर गया है। दालें प्रोटीन देती हैं लेकिन इतनी महंगी हैं कि आदमी बिना प्रोटीन के जिंदगी बसर कर रहा है। खाने वाले तेल की बात की जाए तो उसके दामों ने जनता का तेल निकाल दिया है। जनता का यह तेल तो निकल रहा है लेकिन राजनीतिक दलों के धर्म और जाति का खेल रुक नहीं रहा है। क्या चुनाव का मूल मुद्दा ये होना चाहिए कि कौन सी कौम और कौन सी जाति और कौन सा माफिया किससे नाराज है, या फिर ये मुद्दा होना चाहिए कि जनता क्यों परेशान है? मेरे ख्याल से दूसरा मुद्दा ज्यादा बेहतर और लोकतांत्रिक है, लेकिन राजनीतिक दल अगर पहले मुद्दे पर बने रहना चाहते हैं और माना इसी मुद्दे पर 2022 में सरकार भी बना लेते हैं तो कोई नई बात नहीं, लेकिन जनता की अदालत लगने में अभी लगभग 6 महीने का समय बाकी है और इस अदालत में फैसला जनता सुनाएगी और देखने वाली बात होगी कि कौन जनता की अदालत में बाइज्जत बरी होकर सरकार बनाता है और किसे 5 साल के लिए वनवास की सजा दी जाती है। अजय सिन्हा की रिपोर्ट, प्राइम टीवी। तो साथियों सवाल यही है कि आखिर हम जन सरोकार के मुद्दे पर सवाल कब करें, किससे करें, कौन इसका जवाब देगा? लगातार उत्तर प्रदेश में ये जो राजनीतिकरण हो रहा है, लगातार पार्टियां जो हैं वो पैराशूट से नेताओं को बुला रही हैं, क्या हम उनसे सवाल करेंगे या फिर हम उनसे सवाल करेंगे जिन्होंने हमें जिनको हमने 5 साल पहले वोट दिया था। फिलहाल आज की डिबेट में हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, हम पहले उनसे आपको तारुफ कराते हैं। अश्विनी शाही हैं बीजेपी से, जो पार्टी का पक्ष रखेंगे। इसके अलावा शौकत अली समाजवादी पार्टी से हैं, वो पार्टी का पक्ष रखेंगे। आम आदमी पार्टी से वंशराज दुबे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो पार्टी का पक्ष रखेंगे। और सुभाष चंद्र यादव जी विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथियों उत्तर प्रदेश का चुनाव बिल्कुल मुहाने पर है और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में रस्साकशी का माहौल है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में प्रयास किया जा रहा है कि विशेष वर्गों को साधा जाए, जातिगत समीकरण एक बार फिर से बैठाया जाए, हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म, या फिर जिस तरह से पिछली बार शमशान और कब्रिस्तान की लड़ाई हुई थी, इन सारे मुद्दों को ही एक बार फिर से उठाया जाए, प्रयास यही किया जा रहा है। लेकिन कोशिश यही है हमारी और जनता की कि इस बार जो जनता के जुड़े हुए मुद्दे हैं उन पर भी विचार किया जाए, क्योंकि जब जनता वोट देती है तो कहीं ना कहीं उसके मन में ये सारे मुद्दे जो कि राजनीतिक दल सोचते हैं वो मुद्दे नहीं रहते हैं। लेकिन इस बार जनता क्या सोचकर वोट देगी ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन सवाल कहीं ना कहीं सबके मन में यही है कि आखिर जन सरोकार की बात कब करी जाएगी। पैराशूट से नेता आ तो रहे हैं लेकिन वो कितना फायदा पहुंचाएंगे, इसी पर हम चर्चा शुरू करते हैं। अश्विनी जी सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा, स्वागत है आपका। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि 5 साल पहले हमने जिन्हें वोट दिया था अपने क्षेत्र में अपनी विधानसभा में, क्या हम उनसे सवाल पूछें या फिर जो लोग दिल्ली से आ रहे हैं, जो टीम दिल्ली से बनाई गई है, हम उनसे सवाल पूछें कि भैया हमारी सड़क क्यों नहीं बनी, हमारे लड़के को नौकरी क्यों नहीं मिली, हमारी समस्याएं कब दूर होंगी, इलाज कैसे बेहतर होगा, हम सवाल किससे पूछें? नितिन जी देखिए पहले तो एक गलतफहमी दूर कीजिए कि सवाल किससे पूछना है। सवाल उसी जनप्रतिनिधि से पूछा जाता है और जाएगा जिसको जनता ने वोट दिया है।
ये हमारे जो भी बड़े नेता आ रहे हैं दिल्ली से यहाँ पर, वो एक तो आपने शब्द यूज किया पैरासूट से, पैरासूट से चुनाव लड़ने आते हैं और पैरासूट से चुनाव लड़ाने नहीं आते हैं वो लोग, चूंकि भारतीय जनता पार्टी विश्व आप ये किसको कह रहे हैं? मैं ये बताने जा रहा हूँ कि पैरासूट से जो लोग भेजे जाते हैं वो चुनाव लड़ाए जाते हैं, लड़ने आते हैं, कहीं भेज दिए जाते हैं। ये हमारे बड़े नेता जो है, ये नेता आ रहे हैं संगठन, चुनाव को कैसे संगठित तरीके से लड़ाया जाए। हमने पिछले चुनाव में नारा दिया मेरा बूथ सबसे मजबूत, आज हम पन्ना प्रमुखों का सम्मेलन करने की बात कर रहे हैं, आज हम जो है बूथ बूथ गांव गांव हम अपने संगठन के कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहे हैं, भारत सरकार की और उत्तर प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं उनको हम आगे तक बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो हमारा वो कार्यकर्ता काम करता है, उसके बाद आता है हमारा वो चुना हुआ जनप्रतिनिधि। ये लोग तो हमारे चुनाव का संगठन संभालने के लिए नेता आ रहे हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी में 300 से ऊपर तो यहाँ हमारे यहाँ एमएलए आज हैं और एमपी कितने हैं आप देख लीजिए, पूरे देश में कितने राज्यों में हमारी सरकार है, तो अभी तो और भी नेता आएंगे हमारे यहाँ। अच्छा। ये तो दूसरे दलों के लिए कुंठा का विषय है कि उनके पास गिने चुने उंगलियों पर 4-6 नेता हैं। अच्छा, तो जनता पार्टी में अकाल ना, तो उनसे मैं पहले ये सवाल पूछूं कि उनके पास नेता क्यों नहीं है, या पहले मैं आपसे ये पूछूं कि क्या उत्तर प्रदेश में जो आपके नेता हैं वो कमजोर पड़ गए इस वजह से दिल्ली से नेता बुलाए जा रहे हैं? ये सवाल ही नहीं बनता, ये बेमानी सवाल है नितिन जी। उत्तर प्रदेश में हमारे पास बहुत से नेता है, उत्तर प्रदेश में नेताओं की कमी नहीं है, मगर एक हमारा भारतीय जनता पार्टी का एक परिवार है, एनडीए एक परिवार है, जिसके नेता आएंगे चाहे वो बंगाल चुनाव हो, बिहार चुनाव हो, गुजरात चुनाव हो, उत्तर प्रदेश चुनाव हो, केरल चुनाव हो, सब जगह जाएंगे, भेजे जाते हैं नेता हमारे। अच्छा, हमारे नेता मैं आपके बाकी मेहमानों से भी जुड़ता हूं, उनसे भी पूछता हूं। शौकत जी, आपके पास तो भाई कोई दिल्ली विल्ली का नेता नहीं है, क्या करेंगे, कैसे लड़ाई होगी भाई इस बार आपकी? और उसे स्वीकारना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में जो नेता इनके भारतीय जनता पार्टी के हैं, जब उन पर उन्होंने कोई काम नहीं किया, उन पर विश्वास नहीं, इसलिए बाहर के नेता बुलाए जा रहे हैं। और समाजवादी के पार्टी के एक एक कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश की राजधानी से लेकर उत्तर प्रदेश की सरजमी पे काम कर रहा है, आदरणीय अखिलेश यादव जी और तमाम कार्यकर्ता है, सब जानते हैं कि हम लोगों ने जो कार्य किया उत्तर प्रदेश की जनता देख के, बीजेपी वाले काम नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बिल्कुल मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश की जनता को यदि इन लोगों ने कुछ दिया होता तो बताने के लिए योगी जी जाते, और इसीलिए तो आज उत्तर प्रदेश के बाहर के लोग बुलाए जा रहे हैं। इनको मत देख कर आइए, आपको मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ, ये जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं, आपको शायद जानकारी ना हो, उसमें विधायकों को नहीं भेजते हैं, सांसदों को भेजने का काम करते हैं, विधायकों ने कुछ काम किया होगा तभी आप बताएंगे, तो दो दूसरे को बुला के जन यात्रा निकाल रहा, आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन विधायकों का इन्वॉल्वमेंट नहीं कर रहे हैं उसमें, क्योंकि विधायक क्षेत्रीय विधायक ने कुछ किया तो है नहीं, तो बताएगा क्या, क्योंकि अब मुंह की खानी पड़ेगी, इसलिए विधायकों का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता उस यात्रा में। इसी तरह उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी बाहरी लोग बुलाए जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश की मुखिया की जो जिम्मेदारी वो बताने लिए उत्तर प्रदेश में कोई बचा नहीं, बाहरी लोग आ रहे हैं। ये कैसे कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के विधायकों ने कुछ नहीं किया? अश्विनी जी, क्या आपके विधायकों ने कुछ नहीं किया, क्या ये सपा वाले कह रहे हैं? भाई देखिए, सपा के नेताओं का काम है, क्योंकि इनके जो बड़े वाले नेता हैं माननीय अध्यक्ष जी इनके, वो बैठकर ट्वीट करते हैं और उनकी एक यात्रा निकलती है जो उन्नाव में जाकर खुश हो जाती है, यही है, बाकी तो घरों में कोरोना में से भी घर से नहीं निकले। उत्तर प्रदेश में जितना काम हुआ है, अगर ये काम किए होते तो जनता ने इनको हटाया क्यों होता? जी, कोरोना में सर कौन निकला था? कोरोना में सपा कहाँ निकला था? कोरोना में तो एक ही व्यक्ति दिखाई दे रहा था, वो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और माननीय कर्मी योगी आदित्यनाथ जी। कौन सी जगह थी सर? दिखाई दे रहा था। चलिए, आज आप जी, मैं पूछ रहा था जगह कहाँ थी वो सर? आवाज, चलिए मैं बाकी मेहमानों को जोड़ता हूँ। ये हमारे साथ अश्विनी जी, हमारे साथ आम आदमी पार्टी के वंशराज जी हैं, ये लोग का क्या दिक्कत है? ये लोग हमेशा आप लोगों के ऊपर घोटाले जैसा आरोप लगाते हैं कि इस सामान को इतने में खरीदा, इस सामान को इतने में खरीदा, यहाँ पर इतना घोटाला कर दिया, इन लोग की क्या दिक्कत है? इनसे भी सवाल ले लेते हैं। वंशराज, क्या समस्या है आप लोगों की कि उत्तर प्रदेश सरकार पर लगातार इस तरह के आरोप आप लोग लगाते हैं, और क्या यही मुद्दे लेकर आप लोग चुनाव में जाएंगे? आप तो खुद दिल्ली बेस्ड पार्टी हैं कहा जाता है जैसा कि, तो आपके यहाँ तो दिल्ली से भी नेता आएंगे चुनाव की तैयारी करवाने के लिए, संगठन को मजबूत कराने के लिए, तो मतलब आपकी लड़ाई मानी जाए मजबूत है, और क्या यही सारे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या जो आरोप लगाते हैं बीजेपी पर? देखिए नितिन जी, उत्तर प्रदेश में
आम आदमी पार्टी का भले ही इस 4.5-5 साल में 2017 से जिस तरीके से आम आदमी पार्टी सक्रिय हुई है, भले ही हमारा ना कोई सांसद है ना कोई विधायक है, बावजूद उसके लगातार पिछले 2 साल से उत्तर प्रदेश की आदित्यनाथ सरकार के, जो इन्होंने 4.5 साल उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, बेहाल के 4.5 साल रहे, बदहाल के 4.5 साल रहे, चाहे नौजवानों का मुद्दा हो, रोजगार के मसले को लेकर, माताओं बहनों की रक्षा की बात हो, सुरक्षा की बात हो, वो मुद्दा लेकर, या उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से जातिगत कार्रवाइयाँ हुई आपने देखा एक के बाद एक, संजीत यादव का मामला देखा, अपहरण करके उसकी कैसे हत्या कर दी गई, पाल एक जो पाल था जयप्रकाश पाल जो गोरखपुर में SDM और CO के सामने जिसकी हत्या हो गई, हाथरस की घटना आपने देखी कि वाल्मीकि समाज की एक बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ और उसको उस दुष्कर्मियों के साथ अपराधियों के साथ में योगी आदित्यनाथ सरकार के सांसद और विधायक उसके पक्ष में खड़े हुए नजर आए, रात में 2 बजे उसको पेट्रोल डाल के जला दिया जाता है। तो ये तमाम घटनाएं हुई, इस घटनाओं को माननीय सांसद संजय सिंह जी ने प्रमुखता से आप चैनलों के माध्यम से और पूरे उत्तर प्रदेश की जनता के सामने रखा। देखिए सबसे बड़ा दिलचस्प चीज कहां हो जाती है कि उत्तर प्रदेश में जितने भी विपक्षी दल हैं, अब मुझे नहीं मालूम कि किसकी क्या समस्या फंसी हुई है भाजपा के साथ में, लेकिन जितने भी विपक्षी दल हैं वो दल सरकार से सीधा सवाल करने में बसते हैं। और यही कारण रहा कि जब जब हर घोटाले का खुलासा किया माननीय सांसद संजय सिंह ने, चाहे जल शक्ति मिशन का भी आपने देखा लगातार सीरीज चल रही है उसकी, घोटाले पे घोटाले घोटाले पे घोटाले खुले जा रहे हैं, या बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी का कौन सा मामला आपके सामने आया था, अपने भाई को नौकरी देने का और फिर आय से अधिक संपत्ति का मामला था, या वेंटिलेटर का घोटाला हुआ कोरोना की महामारी में किस तरीके से दलाली खाई गई, या प्रभु श्री राम जी के चंदे में चोरी किस तरीके से हुई, हर मुद्दे को माननीय सांसद जी ने प्रमुखता से आप चैनलों के सामने रखा। उसका सिर्फ ये कारण रहा कि योगी आदित्यनाथ जी जिस दिन सुबह घोटाला खुलता है अगले दिन सुबह योगी आदित्यनाथ जी एक मुकदमा करवाने का काम करते हैं। 16 मुकदमा योगी आदित्यनाथ जी ने माननीय सांसद संजय सिंह जी के ऊपर, क्या इसी कारण से दिल्ली के नेताओं को बुला रहे हैं क्या? नहीं नहीं, देखिए ऐसा नहीं, उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी जो 403 सीटों पर पूरी मजबूती से लड़ने जा रही है, जाहिर सी बात है पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, जो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है, मैं बीजेपी की बात पूछ रहा हूं विश्वास की, क्या इसी वजह से लोग दिल्ली के नेताओं को, ये देखिए सीधा सीधा एक डैमेज कंट्रोल करने के लिए आ रहे हैं। अभी बिल्कुल सही बताया आदरणीय शौकत जी ने कि जन आशीर्वाद यात्रा में अपने विधायकों को नहीं भेज रहे हैं, अपने नेताओं मंत्रियों को नहीं भेज रहे हैं, ये सांसदों को भेज रहे हैं, ये बाहर से आए हुए लोगों को भेज रहे हैं, क्योंकि आज जन आशीर्वाद यात्रा धुतकार यात्रा हो गई है, जनता इनको धुतकार रही है, इनकी हिम्मत नहीं है कि जाके किसी से आशीर्वाद ले सके। अच्छा आप किससे आशीर्वाद लेंगे? आपने इन्वेस्टर समिट कराया नौजवानों को रोजगार देने के नाम पर, 4.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट का वादा था, 4.5 रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, 12,000 भर्तियां निकाली उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में, एक भर्ती योगी आदित्यनाथ ने नहीं किया। जो सबसे दिलचस्प बात क्या रही कि जो भर्ती 2017 से 2021 तक आई ही नहीं, लेखपाल की भर्ती, उसमें भी एक नौजवान को पकड़ के दुर्गेश चौधरी नामक नौजवान को पकड़ के लेखपाल बना दिया जाता है। गलतियां हो जाती हैं, थोड़ी बड़ी गलतियां नहीं है, योगी आदित्यनाथ जी का और इनकी सरकार का सांसद संजय सिंह जी ने एक संज्ञा दी थी कि योगी बाबा और 40 चोर, ये जो सरकार चल रही है दरअसल उसी संज्ञा पे सरकार चल रही है। आप सोचिए कि सुबह से शाम तक सिर्फ और सिर्फ झूठ परोसा जा रहा है, बड़े बड़े होर्डिंग लगा के कि यूपी उत्तर प्रदेश नंबर 1 बन गया है, नंबर 1 बन गया है, इस उत्तर प्रदेश को आप नंबर 1 बना रहे हैं, जहां पर कोरोना के महामारी में तमाम केंद्रीय मंत्री, इनके कैबिनेट के मंत्री अपनी जान गंवा बैठे, विधायक सांसद गुहार लगाते रहे, उनके परिजन तो ऑक्सीजन और वेंटिलेटर नहीं पाए। और आम आदमी पार्टी की आप बात करिए, आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के 18 महानगरों में, आपने रिपोर्टिंग भी की थी आपके चैनल ने, 18 महानगरों में आम आदमी पार्टी ने ऑटो एम्बुलेंस सेवा शुरू की, ऑक्सीजन युक्त ऑटो एम्बुलेंस सेवा, घाटों पर योगी आदित्यनाथ लकड़ियां नहीं उपलब्ध करवा पा रहे थे और आम आदमी पार्टी ने घाटों पर लकड़ियां उपलब्ध कराई। जब इनके तमाम आला कमान अधिकारी मिलकर लाशों को दफनाने में जुटे हुए थे, नदियों में बहाने में जुटे हुए थे, माननीय सांसद जी लगातार जो जनता के साथ खड़े रहे। तो हमारा जो दिल्ली का मॉडल है, हमारा जो दिल्ली का मॉडल, उन तमाम मॉडल को लेकर हम उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में जा रहे हैं। अश्विनी जी से जवाब, अश्विनी जी, इन लोगों का काम इसी तरह से आरोप लगाने का ही रह जाएगा या कुछ कर पाएंगे, क्योंकि अभी बहुत सारी बातें उन्होंने बोल दी आम आदमी पार्टी ने आपके लिए, क्या कहेंगे इसमें? देश के क्या विश्व के सबसे बड़े पलटीबाज नेता की पार्टी है ये केजरीवाल जी की, वंशराज जी उसी की बात कर रहे थे, दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी का रोड़ा रो रहे हैं और उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की एम्बुलेंस चला रहे हैं, ये हास्यास्पद बात बयान देख लीजिए। दिल्ली में इन्होंने होर्डिंग लगवाया मकानों का, किसी को मकान नहीं दिया, मकान बनवाया किसने? केंद्र सरकार ने मकान बनवा कर दिया, उसकी होर्डिंग ये लगवा रहे थे। सीलिंग का आपने देखा,
शिक्षा का स्तर, एक स्कूल इन्होंने इंटर कॉलेज बनवाने की बात अपने घोषणा पत्र में लिखी थी, कहीं ना इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज नहीं बना। अस्पताल कितने बनवाए, जब माननीय गृह मंत्री जी कोरोना की पहली लहर में इनके यहाँ जब देखे दुर्दशा देशवासियों की, तो उनको खुद आना पड़ा मैदान में, उसकी बात ये कर रहे हैं कि हम कोरोना में बढ़िया काम किए। तो ये देश की सबसे बड़ी पलटी बाज कंपनी के मालिक है केजरीवाल जी। और सबसे बड़ी हास्यास्पद चीज, ये लोग रोज एक एक झूठ उजागर करते हैं किसी न किसी दल का। एक 2000 पन्ने का शीला दीक्षित जी का कहा गया वो झूठ जो ऐसे उड़ाया करते थे केजरीवाल जी। ये बताइए कि महेंद्र सिंह मंत्री महेंद्र सिंह ने जल शक्ति मिशन में कितना बड़ा घोटाला किया, शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने कितना बड़ा घोटाला किया, और जो तीसरी लहर कोरोना की नहीं आई है उसमें योगी आदित्यनाथ सरकार मिलकर 8 लाख रुपए का वेंटिलेटर आप 22 लाख में खरीदने का काम कर रहे हो। बोलने दीजिए, घबराइए मत, बोलने दीजिए, सुनी जी घबराइए मत, सुन लीजिए फिर सुनी जी घबराइए मत। आपके सारे सांसदों विधायकों मंत्रियों का चिट्ठा एक करके आवाज, बातें सबकी आनी चाहिए, जरूरी है। विश्वास सुन लीजिए क्या कह रहे हैं, फिर बताइएगा जी। मैंने इनके बीच में नहीं बोला और यही धैर्य नहीं है। बोले बोले वो नहीं बोलेंगे, बोले इनके लोकपाल बिल पर सरकार आई थी, वो लोकपाल बिल कहाँ है मैं केजरीवाल जी से पूछता हूँ। अरे जो दलाली खाई गई उस पर जवाब दीजिए, अब लोकपाल बिल पे क्यों जाते हैं? उत्तर प्रदेश की जनता के उनके जो टैक्स के पैसे की आप लोगों ने दलाली खाई है, जो बंटाधार किया है आप लोगों ने, उसका जवाब दीजिए। सवाल तो इसपे हो रहा है, सवाल इसपे हो रहा है कि ऑक्सीजन से किसी की मौत नहीं हुई, योगी आदित्यनाथ कैसे कह सकते हैं इस बात? हम दाखिल करेंगे और माफी मांगेंगे, कहेंगे कि हमसे गलती हो गई, यही होता है इनका। वही संजय सिंह को भी कोर्ट में माफी मांगनी पड़ेगी, जैसे केजरीवाल जी ने माफी मांगा था। कौन मांगेगा, समय बताएगा। लोकायुक्त मैं आता हूँ सेकंड टर्न में आता हूँ। सुभाष चंद्र जी को जो जोड़ना चाहूंगा, विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सर स्वागत है आपका। सुभाष जी, ये उत्तर प्रदेश में जो अभी आपने देखा कि जब राजनीतिक चर्चा हमने शुरू करी एक गंभीर मुद्दे पर, तो किस तरह से हम दिल्ली भी चले गए, हम उत्तर प्रदेश के कुछ मुद्दों में रह गए, और कहां कहां हम घूमकर चले आए, पूरे देश का हमने भ्रमण कर लिया इसी थोड़ी सी डिबेट में। लेकिन उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख मुद्दे हैं, उन मुद्दों के बारे में लगभग किसी ने कुछ भी नहीं बोला जो होना चाहिए, जिन पर चर्चा होनी चाहिए, जिन पर चर्चा करने के लिए हम और आप बैठते हैं। तो क्या इस बार का चुनाव भी हम मान लें कि हम दूसरे राज्यों की तुलना में ही खत्म कर देंगे, या फिर कुछ नया होगा, कुछ राजनीतिक मुद्दे होंगे, कुछ सामाजिक मुद्दे होंगे, कुछ जनता के मुद्दे होंगे? देखिए नितिन जी, आपके सवाल का जवाब देने से पहले एक चीज बोलना चाहता हूँ मैं। एक कहावत याद आ रही मुझे इन सभी प्रवक्ताओं की बात को सुनने के बाद में, कि कोयले की दलाली के अंदर सबके हाथ काले। जो वास्तविक मुद्दे हैं, उत्तर प्रदेश के मुद्दे हो गए या भारत देश के जो भी मुद्दे हो गए, उस वास्तविक मुद्दे से तो हम कोसों दूर चले गए, उन मुद्दों की हम बात ही नहीं करते। इस छोटी सी डिबेट के अंदर ही हम दिल्ली पहुंच गए, लखनऊ पहुंच गए, बाकी जितने भी जगह जाना था वहां पहुंच गए, लेकिन मुद्दे काफी दूर रह गए। हमारे साथी सहयोगी ने भी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जी ने जो बोला कि ये जो घोटाले उजागर कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी चीज है कि प्रदेश की जनता को ये पता चलना चाहिए कि हाँ घोटाले हो रहे हैं सरकार के अंदर। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ही इन्हीं से पूछना चाहता हूँ कि इनकी सरकार का जो चौथा टर्म है, इसके पहले वहाँ कांग्रेस की सरकार थी या वहाँ पे जो बीजेपी की सरकार थी, वहाँ पे इन लोगों ने जो पिछली सरकार के जो घोटाले थे उनको उजागर करने का प्रयास इन्होंने क्यों नहीं किया? इन्हें सिर्फ उत्तर प्रदेश ही क्यों दिखा? पहले उनको शुरुआत वहां से करनी चाहिए। दूसरी बात, ये उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है बहुत ही संवेदनशील चुनाव है। बिल्कुल, यहाँ पर रोजगार पीछे छूट जाएगा, यहाँ मूलभूत सुविधाएं पीछे छूट जाएंगी, यहाँ घोटाले सारे पीछे छूट जाएंगे। पता नहीं क्यों जब हम चुनाव की बात आती है तो वहां पे हम जातिगत समीकरण के अंदर उलझ जाते हैं, हम धर्म के अंदर उलझ जाते हैं। तो मुझे जहां तक लगता है उत्तर प्रदेश की राजनीतिक नब्ज को देखते हुए कि 2022 का चुनाव भी कुछ नया नहीं होने वाला, उसके अंदर भी हिंदू मुस्लिम ही चलेगा, रिलीजन ही चलेगा, जाति समीकरण ही चलेगा, कुछ नया मुझे नहीं दिख रहा है कि उसके अंदर कुछ नया आएगा, क्योंकि सारी पार्टियां उसी परिपाटी पर चल रही हैं। इनको किसी को भी जनता से जुड़े हुए मुद्दे जो हैं, किसी को कोई सरकार नहीं है, ये सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। अभी अश्विनी शाही जी ने बोला कि और दूसरी पार्टियों के पास कोई बड़े नेता ही नहीं है। अरे आपके पास अगर बड़े नेता हैं तो 2017 के अंदर, 2017 के चुनाव के अंदर ये सारे बड़े नेता कहां थे? तब तो आपने केशव प्रसाद मौर्य को पिछड़ा नेता बना के उनको करीब करीब अघोषित रूप से सीएम का रूप में घोषित कर दिया था, उनको लाके आपने चुनाव लड़ा। तब तो आपके किसी बड़े नेता की यहाँ पे कोई जरूरत ही नहीं थी, ना आपने किसी को बुलाना ही नहीं, आपने जरूरी नहीं समझा। आज ये जो बड़े बड़े लीडर आ रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं कि भाजपा की टीम के कोर सदस्य, बिल्कुल मैं उसको एग्री करता हूँ, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अब उनकी जरूरत क्यों आ गई? ना मैंने गलत बोल दिया, लक्ष्मी नारायण, वो लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, बिल्कुल बिल्कुल, उनको भी काफी तवज्जो दी गई थी उस समय, लेकिन उसके बाद उन्हें भी साइडलाइन कर दिया गया।
तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट ये पता है कि हमारी नाकामियां, हमारी जो असफलता, इस असफलता को लेकर अगर हम जनता के बीच में जाएंगे तो हमें अपनी बेशर्मी का और जिल्लत भरी चीजों का सामना करना पड़ेगा। इसी वजह से ये दूसरे लीडरों को सामने लेके आ रहे हैं, क्योंकि जो स्थानीय विधायक हो गए, जो जीत के गए हैं, जिनका ये लोग दम्भ भर रहे हैं कि 300 से ज्यादा विधायक हैं हम पूरे देश, मतलब कुल मिला के डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास है ये, प्रयास है ये, बिल्कुल बिल्कुल निश्चित। चलिए चलिए मैं जवाब लेता हूँ अश्विनी जी, जिस तरह से अभी वंशराज दुबे कुछ बोल रहे थे और आपने उनका जवाब भी दिया था, जवाब पूरा नहीं हुआ था, तो मैं चाहूंगा कि आप अपना जवाब पूरा करें और क्या क्या वो मूलभूत मुद्दे रहेंगे इस बार आप लोगों के विधानसभा चुनाव में, हालांकि अभी तक तो उन मुद्दों पर कोई भी बातचीत नहीं हुई है, लेकिन आगे की क्या रणनीति आप लोग तय कर रहे हैं कि जब दिल्ली से पूरी टीम आपकी आएगी, प्रधानमंत्री खुद आएंगे, तब किन किन मुद्दों को लेकर आप लोग जनता के बीच में इस बार जाने वाले हैं, क्योंकि आपने 5 साल का समय उत्तर प्रदेश में बिताया है, कई सारे आरोप आप लोग के ऊपर लग रहे हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार का हो या बेहतर या फिर कानून व्यवस्था का हो या फिर बेरोजगारी का हो या फिर स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली का हो, तो इन सारे मुद्दों से कैसे लड़ना है और 5 साल और आपको जनता अपने साथ कैसे देखे, कैसे वोट दे, क्या तैयारी है आप लोगों की? नितिन जी देखिए, भ्रष्टाचार जो भी मुद्दा ये लोग बना रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, आरोप तो लगते रहेंगे, भ्रष्टाचार हो या किसी चीज का हो। अच्छा, ये लोग आम आदमी पार्टी को सबूत भी पेश किया करते हैं, आम आदमी पार्टी वाले सबूत तो साबित तो करे, सबूत तो कागज ले आते हैं, और अरुण जेटली जी के खिलाफ भी इन्होंने बोला था तो माफी मांगा था, मैं यही बोल रहा था, जाके उनको माफी मांगनी पड़ी थी केजरीवाल जी को, तो इनकी तो इनके तो इतिहास में है, 2000 पन्ने से ऊपर का वो कॉमनवेल्थ घोटाला लेकर घुमा करते थे, जब भी हमारे विशेषज्ञ ने उसका जिक्र भी किया, वो कहां गए वो घोटाले, लोकपाल बिल इनका कहां गया जिसको लेकर ये सरकार बनाकर आए थे दिल्ली में, तो वो सब दिल्ली वालों को आज तक तो साफ पानी नहीं दे पाए, ये 2015 से 14 से पानी दे रहे हैं, साफ पानी दिल्ली को नहीं मिला है, बिजली के बिल में किस तरीके के घोटाले हो रहे हैं वो जाने, वो दिल्ली की जनता जाने, तो मैं वो नहीं कह रहा, उस पर नहीं जा रहा, इन लोगों की एक आदत है दूसरे के ऊपर। देखिए, दो तरह से आदमी समाज में आता है, एक तो हम नितिन जी की बुराई करके आ सकते हैं और दूसरा अपनी अच्छाई बता कर। बुराई क्यों करेंगे, मैंने क्या किया है? नितिन जी एक उदाहरण दिया मैंने, उदाहरण घुमा फिरा के मेरे ऊपर हर चीज रख देते हैं। नितिन जी एक उदाहरण दिया मैंने कि अगर कहीं हमको जाना है तो मैं मान लीजिए मैं एक्स की बात कर रहा हूँ, अगर इनको आना था तो भारतीय जनता पार्टी की बुराई करके आएंगे या अपनी आम आदमी पार्टी की अच्छाई बताकर आएंगे, अच्छाई है नहीं तो अब ये बुराई ढूंढने में लगे हैं, कहीं सफल नहीं हो रहे हैं, मुकदमे जो ये कह रहे हैं बड़ा दर्द हो रहा है, मुकदमे हो रहे हैं, कोर्ट में जवाब देते रहेंगे कि इन्होंने जो आरोप लगाया। अब मैं आता हूं मुद्दों की बात पर, अगर यहाँ पर अभी हमारे विशेषज्ञ ने कहा कि अपनी नाकामियां, अपनी अक्षमताएं सब कुछ गिराया हमारी सरकार की, हमारे नेता आ रहे हैं, हमारे पास नेता है, यही तो दर्द है दूसरे दलों की, क्योंकि मुलायम सिंह एंड कंपनी 5 नेताओं में सिमट जाती है, सोनिया गांधी एंड सन्स 3 नेताओं में सिमट जाती है, आम आदमी पार्टी के 3 नेता हैं कुल मिलाकर देश भर में जो घूमते हैं, तो इन लोगों के अलावा हमारे पास असंख्य नेता हैं, हमारे पास नेताओं की कमी नहीं है, हम एमपी भी भेजेंगे, एमएलए भी भेजेंगे, केंद्रीय मंत्री भी भेजेंगे, गुजरात के मंत्री भी बुलाएंगे और आसाम के भी मंत्री बुलाएंगे। सर, मुद्दों पे चर्चा होगी, किसी को दर्द नहीं होना चाहिए। ये जो महंगाई, बिजली महंगी जी, अगर ये क्षमता से अपराध, संगठित अपराध खत्म करना उत्तर प्रदेश सरकार की क्षमता है तो ये क्षमता हम करते रहेंगे। अगर यहाँ पर हमको महिलाओं की सशक्तिकरण की बात करना क्षमता है, हमको उनको तहसील और थाने में उनको हेल्प डेस्क बनाकर देना हमारी क्षमता है तो हम करते रहेंगे। सर, अपराध कम करवाना, ना अपराध कम करवाना, उस पर लगाम लगाना, ये सब सरकार का काम है, मैं मानता हूँ। कानून व्यवस्था बेहतर करना, ये सब सरकार का काम है, मैं मानता हूँ। लेकिन जो जनता के मुद्दे हैं उन पर कुछ चर्चा होगी कि नहीं होगी? ये जनता से जुड़े, नितिन जी, हाँ सर, इसके पहले की सरकार थी जो महीने में 7500 से ऊपर आपराधिक मुकदमे जो है होते थे, और आज जो है उस मुकदमे को देख लीजिए, आज उसकी मैं बात कर रहा हूँ, आज उत्तर प्रदेश में जनता से जुड़े लोग 30 मेडिकल कॉलेज देने का काम भारतीय जनता पार्टी की कर्मयोगी सरकार ने किया है, तो एम्स हमने दिया है। तो सपा वाले क्यों कहते हैं कि अस्पताल उन लोगों ने बनवाया था? अरे कुछ ने बनाया, 5 मेडिकल कॉलेज से चल रहा था प्रदेश, हमने 30 की बात की भाई। अच्छा, मैं कह रहा हूँ 12 मेडिकल कॉलेज थे, हम 30 की बात कर रहे हैं। गुमराह करते हैं मतलब ये लोग, गुमराह कर रहे हैं। गन्ना का इनका जो इन्होंने 1 लाख करोड़ का जो गन्ना भुगतान छोड़ा था, बकाया लगाया था, हमने पूरा किया उसको। अच्छा, और अब आज तक 90% गन्ना भुगतान हम देख चुके हैं। तो ये आम आदमी, ये आम आदमी पार्टी कहती है कि 17,000 करोड़ रुपए गन्ना किसानों का बाकी है, वो सरकार दे नहीं पा रही। कह रहा हूँ कि 10% अभी भी बाकी है,
और मेरे पास उसका है 5 चीनी मिल जो नहीं दे पाई है, उसके ऊपर आरसीबी कटी है, इस सरकार ने काम किया है। चलिए जवाब ले ले, जवाब ले ले अश्विनी जी, जवाब ले लेते शौकत आपको। एक लाइन और मैं बोलूं था, उसका जवाब आप लेते। एक लाइन और जी, ओटीएपी हमारी सबसे बेहतर योजना है जिसमें हमने 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया है, इसकी स्टेपिंग करके हमने दिया है पूरे प्रदेश में, हर जिले में दिया है। ये अगर करना अपराध है और बेकार की चीजें है तो हम करते रहे। लेकिन सर, लेकिन सर, लेकिन लेकिन जहां तक मुझे पता है कि मेरे साथ के भी बहुत ऐसे युवा जो हैं जो सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे थे, उन्हें इस साल या इस पूरे 5 सालों में सरकारी नौकरी का इंतजार तो था लेकिन वो पूरा नहीं हुआ है, जिस पर अभी सवाल बना है। और क्यों नहीं हुआ? क्योंकि नौकरी हम लोगों ने सरकारी दिया है। अच्छा, सपा ने 2 लाख लोगों को नहीं दिया था पूरा। अच्छा। 2 लाख लोगों को नहीं दिया। चलिए सर, आपकी आप आजम खान जी का जो है जल निगम घोटाला आ गया, इंजीनियरों की भर्ती कैसे हुई थी? हाँ, ये वंशराज को जवाब दे रहे हैं जी। अश्विनी जी, मेरा विनम्र निवेदन सुन लीजिए सर। अश्विनी जी सुन लीजिए, आपने तमाम आरोप लगाए आम आदमी पार्टी के ऊपर, वो अलग विषय है, लेकिन देखिए उत्तर प्रदेश के मुद्दों पर हम लोग यहाँ डिबेट करने बैठे हुए हैं, और आपने एक बड़ा अच्छा मुद्दा छेड़ा रोजगार का। आपने कोई नाम लिया 2 करोड़ रोजगार वहां से मिले, फिर आपने कहा कि 6 लाख रोजगार और दिया। मुझे 6 लाख का डाटा क्या आप विभागावार, एक मुझे लगता है 2 सेकंड लगेगा आप मुझे बता सकते हैं कि 6 लाख मतलब किस किस विभाग में नौकरियां दी गई हैं, ये डाटा क्या आपके पास में है? और अगर आपके पास में नहीं हो डाटा तो मैं आपको बताऊं कि योगी आदित्यनाथ के ट्विटर हैंडल से किस तरीके से ट्वीट होता है। फर्जी आप वो जवाब दे रहे हैं, मुझे डाटा बताइए, वो बता रहे कहां कहां विभागवार बताइए, डाटा वार बता रहा हूं। हां, बीच में कोई नहीं नहीं ना सर, बोलिए प्रभु श्री राम की कसम, कोई इंटरप्शन नहीं होगा। पुलिस से शुरू कर रहा हूँ, पुलिस से कोविड का, हमने कोविड काल में भी भर्तियां की है, 1,37,352 संविदा वाली नहीं नहीं। अश्विनी जी सरकारी नौकरी की बात करिए, 1,23,000 अरे सुन लीजिए, नहीं नहीं आप सरकारी नौकरी की बात करिए, संविदा वाली नहीं। पुलिस क्या है, पुलिस में क्या है सरकारी नौकरी, कौन सी पुलिस की भर्ती, कौन सी पुलिस की भर्ती हुई बताइए आप। 1,37,253 बेसिक शिक्षा में 1,21,000 अब एक एक का जवाब मेरे से लेते जाइए। नहीं नहीं पूरी फिर वही डाटा, एक सवाल पूछेंगे जवाब भी नहीं सुनेंगे। हाँ, क्या तरीका भाई? हाँ, बोलिए। नहीं, एक एक विभाग मैं भी बताता जाऊँ। नहीं तो 1,37,000 आप शिक्षक भर्ती के बता रहे, सुनिए पहले, सुनिए पहले सुन तो लीजिए। 1,37,000 शिक्षक भर्ती का मामला आप बता रहे हैं, 2 भर्ती आई 68,500, अधीनस्थ चयन बोर्ड 16,000, परिवार कल्याण 8,500, यूपीपीसीएस 6,400, माध्यमिक शिक्षा 14,000, चिकित्सा शिक्षा 1,100, भाजपा कार्यालय से आपको मिला मुझे मालूम है, लेकिन आप हकीकत सुनिए, जमीनी हकीकत सुन लीजिए। नहीं जमीनी हकीकत सुन लीजिए, सुनिए अब आप सुन तो लीजिए महाराज, आपकी बात पर कैसे। अरे सुनिए साहब, सुन तो लीजिए, थोड़ा सा जवाब ले लीजिए ना, ना ये आरोप फिर लगाएंगे, जवाब ले लीजिए। अभी मैं पीसी किया हूँ इस मुद्दे पे सर, पूरी पीसी मैंने की है, अब सुन लीजिए। 1,37,000 शिक्षक भर्ती का नाम आपने लिया, 68,500 शिक्षक भर्ती आई थी जिसमें 22,000 रिक्त आज भी रिक्त पड़े हुए हैं, और वो नौजवान टंकी पे चढ़ के गुहार लगाता राजधानी में कि महोदय मेरी बात सुनिए। एक मिनट 69,000 जो भर्ती आई, 69,000 अरे सुन तो लीजिए, 68,500 में 22,000 रिक्त है और 69,000 आई, वो भी आरक्षण घोटाला हुआ, और नौजवान अभी एक हफ्ते पहले लाखों की संख्या में इकट्ठा होकर प्रदर्शन कर रहा था। अरे आप सुनेंगे नहीं महाराज, ऐसी कौन सी बात है, ऐसे थोड़ी होगा चिल्लाने से आपके आंकड़े प्रदर्शन थोड़ी हो जाएगा, सुनिए पहले आप। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की बात आप कर रहे हैं, ऐसे नहीं होगा, अरे सुन तो लीजिए, आप मेरे पर मानहानि कर दीजिएगा भाई, लेकिन सुन तो लीजिए, नहीं है ये एक बहुत प्रतिष्ठित चैनल है, जवाब नहीं दे पाएंगे आप नौजवानों को, मेरी बात सुन लीजिए। देखिए डिबेट है, इसको इसका एक टाइम लिमिट है, इसलिए मुझे बोलने दीजिए 30 सेकंड में, एक एक करके बोलिए भाई, मुझे 30 सेकंड बोलने दीजिए, दोनों की बात आना। देखिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की आपने बात की, 16,000 आप बता रहे भर्तियां हो गई, जबकि फिर से रीड करवाइएगा मुख्यमंत्री जी से कि उन्होंने पद निकाले हैं 12,000, 12,500 पद निकाले 12 भर्तियों में। अश्विनी जी इसको थोड़ा सा करेक्ट करिएगा, और मुख्यमंत्री जी दिखा रहे हैं हमने 16,000 नियुक्तियां कर दी, जबकि सच्चाई क्या है, उसमें बीडीओ की भर्ती रद्द कर दी गई, गन्ना पर्यवेक्षक का नौजवान आज दर दर भटक रहा है, एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट का नौजवान लाठियां खा रहा है,
12,000 पद आपने निकाले, 51 लाख नौजवानों से आवेदन लिया, 1,020 करोड़ रुपए सरकार के खाते में चले गए, लेकिन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में एक नौकरी सरकार ने नहीं दी है। दूसरा आपने कहा दरोगा भर्ती 49,568, आपको यह आंकड़ा भी नहीं याद होगा, आप तो पढ़ के बोल रहे, मुझे शब्दशः याद है, 49,568 पुलिस पीएससी भर्ती के नौजवानों को ट्रेनिंग आप नहीं करवा सकते। यहाँ बैठ के आप झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। तो जो आंकड़े आपने दिए हैं वो आंकड़े सरासर जमीन पे बहुत दूर है। और आप अगर आपके आंखें नहीं खुली है, राजधानी लखनऊ में इसी चैनल के तमाम रिपोर्टर वहां रिकवर जाके उसको रिपोर्ट करते हैं कि किस तरीके से नौजवान लाठियां खा रहा है। यहाँ पे आप बैठ के झूठ बोल रहे हैं। 13 लाख नौकरी देने का वादा था योगी आदित्यनाथ का, हर साल 13 लाख नौकरी देने का वादा था, 90 दिनों के अंदर सारी की सारी रिक्त भर्तियां उनको भरने का वादा था। और बेशर्मी देखिए जिस पार्टी के प्रवक्ता है उस पार्टी की बेशर्मी देखिए कि सत्ता में बैठने के बाद मुख्यमंत्री कहते हैं कि नौकरियां तो बहुत है लेकिन उत्तर प्रदेश का नौजवान उस नौकरी के लायक नहीं। ये बेशर्मी होती है उत्तर प्रदेश के नौजवानों का, आप मजाक उड़ा रहे हो, आप जवाब नहीं दे पाएंगे। जन आशीर्वाद यात्रा में आप जाइए तो एक बार अपने नेताओं को लेकर। चलिए 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 अश्विनी जी, आपकी आम आदमी पार्टी की बेशर्मी है जो कांड करता है उसके बाद करता है। अरे कांड छोड़िए, 4.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आपने कहा था, दावा किया था इसी लखनऊ में, 4.5 रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, 1,045 एमओयू साइन किया था आपने, 66 करोड़ रुपए इसी राजधानी लखनऊ में हमने पानी की तरह बहाया था। आप आंकड़े किताबों में देख के पढ़ रहे हैं, मुझे सबसे याद है क्योंकि जमीन पर राजनीति करने वाले हम लोग हैं। उत्तर प्रदेश का नौजवान जो 5 साल 6 साल अपने घर से दूर जाकर तैयारी करता है, 1 8x10 के कमरे में तैयारी करता है, उसके सपनों को कत्ल करने का काम आप लोग कर रहे हैं और आप यहाँ पे बैठ के ज्ञान दे रहे हैं अपनी पार्टी के नेताओं। लोकपाल के मैं बताता हूँ ना, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट का समय दीजिए मुझे, अब चुप रहिए, मैं लोकपाल बता दे रहा हूँ, लोकपाल बता दे रहा हूँ, उसको रीड करिएगा फिर से, ट्रेनिंग लेके आइएगा थोड़ा सा। जन लोकपाल बिल दिल्ली की विधानसभा में पहले ही पास हो चुका है, केंद्र सरकार के पास मरा, क्यों नहीं इसको आप पास करते? एसीबी की बात करिए आपने, हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ और आपने एसीबी की बात करी, सुन लो लीजिए भाई, आप हमारे पर आरोप लगा सुनिए पहले। 49 दिन की सरकार में हमसे एसीबी छीन लिया गया, एंटी करप्शन ब्यूरो, क्यों छीन लिया आपने? पहले पैरामिलिट्री फोर्स भेज के आप भेजते, हमने जितने मुकदमे कर रखे थे शीला दीक्षित के ऊपर, आप एजेंसियां खरीद लोगे, आप पत्रकारों पे हमला कराओगे, आप पैगेसस से फोन रिकॉर्ड करोगे, फिर आप कहोगे नहीं वो नहीं हो रहा। चलिए बाकियों से भी कुछ जवाब ले लेते। शौकत, अरे सर 49 दिन की सरकार में छीना गया, आप वही तो कह रहा हूँ, आप मैं आ रहा हूँ आपके के पास, मैं वापस आ रहा हूँ, के कार्यालय जो चीज मिलता है उसको नहीं किया, मैं आप लोग के पास आऊंगा, मैं वापस आ रहा हूँ आप लोग के पास। शौकत, आपको आवाज मिल रही मेरी? शौकत अली जी आपको आवाज मिल रही मेरी? चलिए शौकत से अभी हमारा संपर्क टूटा हुआ, हम कोशिश करेंगे उनसे जल्दी जुड़े। सुभाष जी, देखा आपने कि अभी किस तरह से यहाँ राजनीतिक माहौल गर्म हो गया जब मुद्दों की बात हुई, लेकिन हाँ ये अच्छा जरूर लगा कि कहीं ना कहीं रोजगार और बेरोजगारी के ऊपर हम लोग ने चर्चा करी और ये पता चला कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कितनी नौकरियां दी। हालांकि आम आदमी पार्टी ने ये जरूर बताया कि कहाँ कहाँ पर कितनी कितनी किस किस तरह से नौकरियां हैं, कहाँ पर रीट हुई, अभी भी जो अभ्यर्थी हैं वो नौकरी की तलाश में हैं। तो ये सारे जो मुद्दे हैं इन पर चर्चा होनी जरूरी है, जैसा कि अभी हुआ भी, लेकिन क्या खाली चर्चा ही होना जरूरी है? क्योंकि 5 साल का सरकार का जो समय था वो लगभग पूरा होने वाला है, अभी तक कुछ बढ़िया निष्कर्ष नहीं निकला, क्योंकि समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप लगाकर इन्होंने उत्तर प्रदेश में सरकार तो बनाई थी कि हम सब कुछ बेहतर कर देंगे, लेकिन बेहतर कुछ हुआ नहीं, क्या कहें? देखिए, जमीनी स्तर पे भारतीय जनता पार्टी का 4.5 साल से भी ज्यादा होने को आया है, करीब करीब सामने चुनाव आ ही चुका है, लेकिन जमीनी स्तर पे जो रोजगार की बात दुबे जी ने जो बोला वो कहीं ना कहीं बिल्कुल सच्चाई से दिखाने वाला काम करता है, क्योंकि जमीनी स्तर पे इन्होंने मेरे हिसाब से कोई नौकरियां दी नहीं। ये जो 6 लाख का जो डाटा, अच्छा ये लोग नौकरी के नाम पे ODOP बताने लग जाते कि हमने ODOP में नौकरी दी, क्या ODOP की नौकरी से या ODOP के जो भी काम है वहां से जो उद्योग या जो भी धंधे शुरू हो रहे हैं लोगों के, उससे सब कुछ स्थितियां बेहतर हो सकती है क्या? जो शहर का जो युवा है जो पढ़ाई लिखाई कर रहा है कमरे के अंदर और तैयारी करता है कि वो सरकारी नौकरी में जाएगा या सरकारी नौकरी करेगा, क्या वो ODOP का काम कर सकता है? देखिए, वो नहीं कर सकता। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का जो थीम चल रहा है, जो इनका प्रोजेक्ट है, इन्होंने बीच में एक वो केश कल्याण बोर्ड बनाया था, माटी कल्याण बोर्ड बनाया था,
तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सरकार जो नौकरियां तो नहीं देना चाह रही है, लेकिन जो विभिन्न समाज के लोग है जो कहीं ना कहीं अपने पुश्तैनी धंधे के अंदर लिप्त थे और वो पढ़ाई लिखाई करके सरकारी नौकरियों की उम्मीद लगा के बैठे थे कि हमें रोजगार मिलेगा, अच्छा। तो रोजगार तो ये देने से रही, रोजगार न देने की जगह ODVP ने लॉन्च कर दिया। उसमें भी राजनीतिकरण होता है। बिल्कुल बिल्कुल, उसके अंदर भी राजनीतिकरण ही हो रहा है। ODOP लाके इन्होंने बोला कि हम नौकरियां दे रहे हैं, जबकि ODOP का कोई नौकरी से कोई मतलब नहीं। ये अलग अलग बोर्ड बना के उसके माध्यम से इन लोगों को, वही लोग चाहे समझ लीजिए ग्वाला अगर है उसका दूध का कारोबार है, हाँ। तो दुग्ध बोर्ड बना दिया, मतलब ग्वाला, बिल्कुल बिल्कुल ग्वाला दूध ही बेचे, जो कुहार है वो माटी के बर्तन ही बनाए, अच्छा। जो नाव है बाली काटे, ये अलग अलग बोर्ड बना के उनको उसी धरने पे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं लोग। सर यही क्यों अश्विनी जी जो सुभाष जी कह रहे हैं क्या बात सही है ये? जी वही मैं क्लियर करना चाह रहा था सुभाष जी को कि देखिए सुभाष जी, हम लोगों ने दो कैटेगराइज किया है, आपने अलग जोड़ दिया। हमने ODOP को नौकरी कभी नहीं कहा, हमने ODOP के साथ हमने रोजगार कहा कि हमने 1,80,00,000 लोगों को रोजगार देने का काम किया। हमने नौकरी की बात नहीं की, हम नौकरी की 6,50,000 की बात करते हैं। रोजगार के अंदर उसको काउंट किया था। सर मैंने उस चीज को नहीं 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 रोजगार में नहीं किया था। देखिए मैंने एकदम शुरू से अलग बोला है, ODOP में रोजगार बोला मैंने और 6,50,000 सरकारी नौकरी। लेकिन योगी जी तो कह रहे 4,50,000 नौकरी दी हमने। किसने कहा? योगी आदित्यनाथ जी का ट्विटर हैंडल। अच्छा, हो सकता है, ठीक है। हम 6,50,000 की बात कर रहे हैं। हाँ, लेकिन आदित्यनाथ जी का ट्विटर हैंडल अभी 2-3 दिन पहले ट्वीट किया था 4,50,000 4.5 साल में। अब वो फिगर मीटर रोजगार के ऊपर का सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे। इनसे कोरोना वाले सवाल पूछ लीजिए, क्या कोरोना के अंदर जो नाकामी थी सरकार की? नहीं नहीं नितिन जी, रोजगार के ऊपर सुभाष जी को कौन सा जवाब चाहिए बताइए जरा। कोरोना के अंदर गवर्नमेंट अपनी नाकामी मानती कि नहीं मानती? नहीं नहीं, कौन सा रोजगार? रोजगार की मैं बात करता हूँ, आइए ना, ना, हमने प्रवासी 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 उत्तर प्रदेश के जो हमारे बाहर गए थे लोग, उनकी स्किल मैपिंग कराकर और उनको उनके गांव में रोजगार देने का काम किया है। देखिए उत्तर प्रदेश, ना अश्विनी जी मैं साथ हूँ आपके, कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त ज्यादातर जो जिले हैं वहां पर कोविड नहीं है, वहां पर मरीज नहीं है। हालांकि एक समय था जब मरीज एकाएक बढ़ गए थे, तो जब एकाएक कहीं भी कोई समस्या हो जाती है तो उसको हैंडल करने में समय लग जाता, मैं मानता हूँ। लेकिन स्थितियां क्या सही थी या नहीं सही थी ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, क्योंकि तीसरी लहर भी कोविड की आ रही है और उसके पहले डेंगू जैसी समस्याएं भी फैल गई हैं। तो जैसा सुभाष जी कह रहे हैं कि आप लोग अपनी नाकामी मानते हैं या नहीं मानते, तो मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि सरकार ने बेहतर काम किया है। सुभाष जी ने कहा अभी कि इनसे कोरोना पर पूछिए, रोजगार पर नहीं दे पाए, रोजगार का जवाब इन्होंने सुना नहीं। अब कोरोना का सुन ले, कोरोना नहीं, मैंने रोजगार का सवाल सुना, आपका जवाब भी सुना, आपने ODOP के बाद उसको रोजगार में काम की थी, इसीलिए मैंने बोला था वो बात। मैं तो सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि रोजगार की बात से, रोजगार की बात से अगर सरकार घबरा रही है या आप नहीं जवाब देना चाह रहे हैं, तो चलिए कोरोना वाला भी मसला आप ही लोगों ने छेड़ा था, मैंने नहीं छेड़ा था। कोरोना के ऊपर आप मानते हैं कि सरकार फेलियर थी? अच्छा, अश्विनी जी बता दीजिए, अश्विनी जी इनको बता दीजिए कि सरकार विफल थी या नहीं थी कोविड में? कोविड में सरकार सफल थी, हिंदुस्तान में हमने सबसे ज्यादा टेस्ट किए, सबसे ज्यादा हमने जो टीका लगाए, सबसे कम हमारे यहाँ मृत्यु हुआ, और उत्तर प्रदेश में ही नहीं, भारत में ही नहीं, विश्व में हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सराहना हुई, योगी मॉडल की सराहना हुई। अच्छा ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। तो सुभाष जी ही जाने और बाकी दलों के लोग जाने। एक चीज में आप योगी मॉडल ने बहुत पूरे दुनिया में नाम कमाया, वो मॉडल ये था कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत तमाम घाटों को टीन सेट से ढक दिया गया था कि लोग लाशों को देख ना पाए कि कितनी मृत्यु हो रही है। गंगा घाट पे किस तरीके से राम नामी चादरें चुराई जा रही थी, राम नामी चादरों से ढकी गई थी लाशें। जब बारिश आई तो सारी लाशें दिखने लगी। लाशें थी क्या थी, कौन कौन गया था वहां से, कौन चादरें हटवा रहा था, वो फोटो कॉपी थी। देखिए मेरी बात सुनिए, देखिए अश्विनी जी, अरविंद केजरीवाल जी देश के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने कहा कि अगर किसी का भी ऑक्सीजन ना मिलने से किसी भी आदमी की मृत्यु हुई है तो सरकार की जिम्मेदारी। सुनिए पहले मेरी बात, मेरी बात तो सुनिए, पूरी बात पहले, पूरी बात सुन लीजिए, पहले पूरी बात सुन लीजिए। हम लोग बेशर्म लोग नहीं है कि कहेंगे कि ऑक्सीजन से किसी की मौत नहीं हुई। और जब उत्तर प्रदेश सरकार का कैबिनेट मंत्री ऑक्सीजन ना मिलने से उसकी डेथ हो जाती है, तो सुन लीजिए पहले मेरी बात। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि जिसकी भी ऑक्सीजन न मिलने से मौत हुई है उसको अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने मुआवजा देने का काम किया। उसके परिजनों को उसके बच्चे को 25 साल तक पढ़ाई का जिम्मा अरविंद केजरीवाल जी ने उठाया। सपा के साथी भी जुड़ गए हैं, शौकत अली जुड़ गए हैं, उनसे भी जवाब ले लेते हैं। शौकत आवाज मिल रही है आपको मेरी?
जी मिल रही। शकत अभी आप नहीं जब जुड़े हुए थे तो अश्विनी जी कह रहे थे कि आप लोग ने जो मेडिकल कॉलेजेस बनवाए थे वो बहुत कम थे, हमने बहुत ज्यादा बनवा दिए, स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर हो गई। आप 2 लाख नौकरी पूरे 5 साल में नहीं दे पाए, हमने 6.5 लाख नौकरी दे दी, तो ये सब इतनी कमजोरी जब आप लोगों की थी इसी वजह से आप लोगों को जनता ने बाहर कर दिया, और उस पर भी अभी तक आप लोग कुछ चेत नहीं पाए हैं कि जनता के मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरा जाए या जनता के बीच जाया जाए, और फिर आप कह रहे हैं कि हम बीजेपी को हरा देंगे। कैसे हरा देंगे भैया? नितिन जी, भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल भी आजकल निंद्रावस्था में काम कर रहा है। एक तरफ आदरणीय मुख्यमंत्री जी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट होता कि हमने 4.5 साल में 4.5 लाख नौकरियां दी, बीजेपी की प्रवक्ता कहते हैं कि हमने 6 लाख नौकरियां दी। अब दूसरी चीज ये कहते हैं कि हमने तमाम मेडिकल कॉलेज बनाई। मैं पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में आपने कहां कहां मेडिकल कॉलेज बनाए हैं, जरा वो जिले बता दीजिए। और प्राइम टीवी से मैं गुजारिश करूंगा, आग्रह करूंगा कि उनको दिखाने का भी काम करें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये मेडिकल कॉलेज बनाए। 75 जिलों में जो अभी आप बता रहे थे आपने मेडिकल कॉलेज बनाए, मुझे जरा उनके नाम बता दीजिए। और मैं प्राइम टीवी से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप भी प्रमुखता से उत्तर प्रदेश की सरकार की किए गए कार्य को दिखाने का काम कीजिएगा। मुझे तो उत्तर प्रदेश 75 जिलों में भैया नहीं दिखा मेडिकल कॉलेज, अब आपके कागज पे वो मेडिकल कॉलेज बन गए हो तो उसके लिए मैं आपको बधाई दूंगा। जिस तरह आप नौकरियां कागजों पे दे रहे हैं उस पर भी मैं आपको बधाई दूंगा। आपके मुख्यमंत्री 4.5 लाख दे देते हैं और आप 6 लाख दे देते हैं, तो कागज पे तो आप बहुत बढ़िया है, लेकिन जरा महाराज देखिए उत्तर प्रदेश का नौजवान, अच्छा, उत्तर प्रदेश का किसान। ये भी कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी 5 नेताओं की पार्टी है और उसी में सिमट के रह जाएगी। इनसे पूछ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में इनके कितने नेता हैं। अगर इनके पास सच में नेता होते नितिन जी, तो मुझे लगता दिल्ली से इनको किसी को बुलाने की आवश्यकता नहीं थी। अरे तो दिल्ली से इसलिए थोड़ी ना बुलाया जा रहा है कि यूपी में नेता नहीं है। समाजवादी पार्टी नितिन जी जो काम करता है और जिसके पास काम करने की क्षमता होती, जिसके पास विजन होता है, वो अकेला काफी होता। एक मुख्यमंत्री, मात्र एक मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में तमाम मेडिकल कॉलेज और तमाम हॉस्पिटल देके गया था। इनके पास 3-3 मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश की एक योजना बताएं जो चल रही हो और कंप्लीट हो गई हो। हम तो गर्व से कहते थे हमने स्टेडियम से लेकर तमाम हॉस्पिटल दिए हैं। नितिन जी, आपके स्टूडियो के बगल में एक बड़ा हॉस्पिटल आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार से दिया गया हुआ है। हमारे घर से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पे एक बड़ा हॉस्पिटल दिया गया। तमाम उत्तर प्रदेश में ऐसी योजनाएं हम लोगों ने दी, तमाम लोगों को रोजगार देने का काम किया। मैं तो कहता हूँ 3 मुख्यमंत्री वाली सरकार मुझे सिर्फ इतना बताने का काम करे, उत्तर प्रदेश की राजधानी से लेके 75 जिलों में 3 मुख्यमंत्री कहाँ है भाई? 1 मुख्यमंत्री है, गलत चीज। 2 उप मुख्यमंत्री है ना, तो आपको साथ में दिए गए कि आपके साथ रहेंगे, आप बैक किएगा मत, साथ में दिए गए ना। एक मुख्यमंत्री काम नहीं कर पा रहा था, इसलिए 2 मुख्यमंत्री और साथ में लगा दिए गए। एक संभलेगा नहीं उत्तर प्रदेश, इसलिए 2 और साथ में दिए गए। उसके बावजूद भी क्यों अश्विनी जी 3 मुख्यमंत्री बता रहे हैं समाजवादी पार्टी वाले? अरे भाई 5 उनके में थे तो अब हमको उनको अपना याद आ गया होगा नितिन जी, मैं ये बोल रहा हूँ। उनको 5 मुख्यमंत्री उनके थे, वो कौन चाचा थे, नेताजी थे और अखिलेश जी तीसरे नंबर पर, आजम खान आते थे दूसरे। अखिलेश जी पहले नंबर पे थे भाई, पहले पर थे। अच्छा, उनको अपना याद आ गया होगा सर। तो यही तो उनके उनके दल का सपा अपनी चीजें, यादव महासभा हो गई है वो अब जो है कहीं की पार्टी थोड़ा ही रह गई। यादव महासभा हो गई है, एक परिवारवाद, समाजवाद तो है ही नहीं है उसमें। अश्विनी शाही जी, मैं आपकी बातों से सहमत नहीं। अच्छा, कुछ यादव इनके साथ भी है, वो भी उधर ही जाएंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, सारा यादव उत्तर प्रदेश का यादव पूरा समाजवादी पार्टी के साथ में है, ऐसा नहीं है। मैंने कहा यादव तो परंपरागत हमारे भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं, इसको भी डिनाई करूंगा मैं। जो परिवारवाद, जो सुनिए, जो समाजवाद नहीं है वहाँ सिर्फ परिवार। उत्तर प्रदेश की जनता ये पूछती है आपने मेडिकल कॉलेज कहाँ दिए, वो बनाइए ना महाराज, आप दूसरे पे उंगली उठाइए। अच्छा, ये सीधे आके वोट बैंक में सीधे लगा रहे हैं? नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता ने इसलिए नहीं चुना था कि दूसरों पे वोट रहिएगा, वोट बैंक की तेंत की बात ही नहीं। उत्तर प्रदेश की जनता ने इसलिए चुना था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो उत्तर प्रदेश विकास की ओर बढ़ेगा। क्या विकास की ओर बढ़ा? मैं पूछना चाहता हूँ, आज उत्तर प्रदेश का नौजवान कहाँ खड़ा है? बेरोजगारी कगार पे आज खड़ा हो गया, रोज प्रदर्शन कर, रोजगार दिया 6.5 लाख भाई। अरे महाराज, इनसे पूछ लीजिए इनका आंकड़ा सही है, मुख्यमंत्री जी का आंकड़ा सही है, पहले तो ये क्लियर कर लें। मुख्यमंत्री जी से फोन लगा बात कर, आप 2 लाख नहीं दे पाए थे, 6.5 लाख दिए। अरे महाराज, इनसे पूछ लीजिए कौन सा आंकड़ा पेश कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी वाला आंकड़ा पेश कर रहे हैं, केंद्र सरकार से कोई नया आंकड़ा इनको दे दिया गया अलग से? अरे ये अपने मुख्यमंत्री जी की बात को नकार रहे हैं, मुख्यमंत्री जी की बात को नकार रहे हैं, यानी मुख्यमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने ओडीओपी वाला भी जोड़ा है ना उसमें। चलिए मैं वंशराज के पास चलता हूँ। वंशराज, आप लोग किन मुद्दों को लेकर अब आगे जनता के बीच जाएंगे और क्या तैयारियां हैं उत्तर प्रदेश के आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए? देखिए, उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी का, देखिए सबसे पहली चीज तो क्या है, उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ी संभावना वाला प्रदेश है।
हमारे साथ दिल्ली में दिक्कत ये थी कि ना हमारे पास लैंड है, ना हमारे पास पुलिस है यानी कानून व्यवस्था, ना दूसरा हम सर्विस सेक्टर यानी एक चपरासी की भी नियुक्ति हम दिल्ली में नहीं कर सकते। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या है, उत्तर प्रदेश में एक पूर्ण राज्य, पहली चीज यहाँ की आबादी भले 25 करोड़ है लेकिन यहाँ का बजट जो है लगभग 5.5 लाख करोड़ बजट है, यानी दिल्ली के अनुपात में यहाँ 10 गुना ज्यादा बजट है। तो अगर एक मोटा मोटा देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की जनता को हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिल सकती है 24 घंटे। यहाँ के रोजगार को अगर रोजगार की बात कर लें तो हमारे पास ये डाटा है कि हर साल लगभग 20 लाख नौकरियां दे सकते हैं हम लोग, और 20 लाख नौकरी ना देकर अगर जिसको नौकरी नहीं दे पाए हम लोग तो हर नौजवान को कम से कम 3 से 5 हजार बेरोजगारी भत्ता दे सकते हैं। 3 से 5 हजार बेरोजगारी भत्ता का मतलब ये हुआ कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 35 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं। नितिन जी, 35 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगारों को अगर सबको हमको बेरोजगारी भत्ता देना पड़े तो मात्र 12 हजार करोड़ रुपए का बजट है। तो सारा डाटा हमारा तैयार बैठा हुआ है। उत्तर प्रदेश की माताओं बहनों की बस की यात्रा मुफ्त करने की बात हो, जैसे हमने 5 साल दिल्ली में सरकारी बसों में माताओं बहनों की यात्रा फ्री करके रखा है। इनके जो आज मुख्यमंत्री जिन्होंने इस्तीफा दे दिया गुजरात में, गुजरात के मुख्यमंत्री जी जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने 190 करोड़ रुपए में खुद के लिए हवाई जहाज खरीदा, और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने 150 करोड़ रुपए में 5 सालों तक सरकारी बसों में माताओं बहनों की यात्रा फ्री कर दी। तो हमारा जो राष्ट्रवाद का एक परिभाषा है वो भाजपा के राष्ट्रवाद से, मैं आ रहा हूं सबके पास, वो भाजपा के राष्ट्रवाद से बहुत इतर है। भाजपा का राष्ट्रवाद यह है कि उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में, प्राइमरी स्कूलों में बच्चों को कैसे नमक रोटी दी जाए, और नमक रोटी के अगर रिपोर्टिंग करेंगे नितिन जी जाके, उनका चैनल जाके रिपोर्टिंग करें तो इनके ऊपर मुकदमा कर दिया जाए, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगा दिया जाए। तो ये भाजपा का राष्ट्रवाद है, लेकिन हमारा राष्ट्रवाद यह है कि उत्तर प्रदेश के हर प्राइमरी स्कूल जो विश्व स्तरीय स्कूल बन सके, हर अस्पताल जो विश्व स्तरीय अस्पताल बन सके, ये हमारा जो मॉडल है, यही उत्तर प्रदेश में हम लोग लेकर जाएंगे। चलिए शौकत, क्या मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश के आप लोगों की, क्या आगे की रणनीति है इसके बारे में जरा बता दीजिए कम शब्दों में क्योंकि समय बहुत कम। देखिए, उत्तर प्रदेश को आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी सरकार बनती तो पहली कैबिनेट में 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। सबसे बड़ी उत्तर प्रदेश को राहत यही मिलेगी। नौजवानों को नौकरी के लेके भी कहा कि पहली कैबिनेट में 10 लाख नौकरी देने का हमने वादा किया और वो भी पूरा करने का काम करेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह झूठ बोलने वाले लोग नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहें कि हमने 6.5 लाख दे दिया और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहें हमने 4.5 लाख दे दिया। जो समाजवादी पार्टी ने काम किया था वो उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है, और आगे भी जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो उत्तर प्रदेश की जनता को राहत देने के बजाय जो काम करने चाहिए हम करेंगे। चलिए धन्यवाद सर। हाँ अश्विनी जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अब आगे की क्या तैयारी है आप लोगों की, दिल्ली से जो नेता आ रहे हैं वो किन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाने वाले, और आगे 5 साल में आप लोग क्या कर सकते हैं अगर आपको जनता चुनती है तो। दिल्ली से जो नेता आ रहे हैं हमारे जो है वो संगठन के हित में आ रहे हैं, और संगठन का वो चुनाव की जो है आगे की रणनीति तय करेंगे, और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं वहां पर कैसे उसको पहुंचाया जाए जन जन तक, उसकी योजना वो बनाएंगे। बाकी हमने जो काम किया है यहाँ पर, वो 4 साल में 40 लाख आवास देने का काम जो किया है वो जनता के हित में हमने काम किया है। एयरपोर्ट जो है यहाँ पर 2 थे, हमने 7 एयरपोर्ट का। ठीक सर, ठीक सर, मतलब विकास पर आप लोग काम करेंगे, रोजगार पर काम करेंगे जैसा कि आप शुरुआत से बता रहे हैं। सुभाष जी, मैं आखिरी में आपसे पूछना चाहूंगा कि अब उत्तर प्रदेश की जनता क्या सोचकर वोट दे 2022 का जो विधानसभा का चुनाव है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के 2022 का जो चुनाव विधानसभा का आने वाला है उसके अंदर अगर उत्तर प्रदेश की जनता अपने होशो आवास का इस्तेमाल करके अगर सही सरकार चुनती है तो जाहिर सी बात उनका भविष्य उज्जवल होगा। लेकिन मैंने इसके पहले भी आपके सवाल का जवाब दिया था और वही बात मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, उत्तर प्रदेश का चुनाव ये सारे मुद्दों को पीछे छोड़ते हुए, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा वैसे वैसे सारे मुद्दे पीछे छूटते आएंगे और लास्ट में जातिगत समीकरण, धर्म का ही मुद्दा रह जाएगा। इसके अंदर वही सरकार बना पाएगा, वही पार्टी टिक पाएगी जो क्रिकेट मैच के टेस्ट की तरह अपने आप को संयम के अंदर रखेगी, सही तरीके से सुलझी हुई रहेगी, वही 2022 के अंदर सत्ता के नजदीक पहुंचेगी। चलिए, आप सभी साथियों का, सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस प्रमुख मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। तो आज उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही अहम मुद्दा जो था उस पर हमने चर्चा की कि आखिर आने वाले दिनों में जो चुनावी रैलियां होंगी और उन चुनावी रैलियों के बाद क्या क्या तैयारी राजनीतिक दलों की रहेगी, लेकिन इन सबके बीच जो मूलभूत सुविधाएं आम जनता की होनी चाहिए क्या उन पर भी चर्चा हमारी सरकारें, हमारे जो विपक्ष के नेता हैं वो करेंगे या नहीं करेंगे, ये सबसे अहम सवाल है। हालांकि उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो काफी समझदार है, लेकिन कहा यही जाता है कि आखिरी में जाकर जात धर्म इसके नाम पर अगर वोट नहीं पड़ता है तो जाहिर सी बात हमें एक बेहतर सरकार मिलेगी, लेकिन अगर उसी के नाम पर फिर से ये चुनाव होते हैं तो कहीं ना कहीं हम इन चीजों की उम्मीद ना करें कि हमारा विकास होगा। आज की डिबेट में इतना ही, अमित जी नमस्कार।